हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सर ट्राइड योर नॉलेज। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। आज हम कवर करेंगे 2nd और 3rd फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शांति भूषण हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज विच फॉर्मर मिनिस्टर। तो शांति भूषण का रिसेंट में निधन हो गया, वह कौन से फॉर्मर मिनिस्टर थे? ए ऑप्शन फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, बी ऑप्शन फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, सी ऑप्शन फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर, डी ऑप्शन फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन फॉर्मर लॉ मिनिस्टर। शांति भूषण ए फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, ही वॉज 97 एंड सर्व एज इंडियाज लॉ मिनिस्टर फ्रॉम 1977 टू 1979। तो शांति भूषण एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे, इन्होंने वह 97 के थे और इन्होंने इंडिया का लॉ मिनिस्टर 1977 से लेके 1979 तक सर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स टेबुला वोन द पीपल्स चॉइस अवार्ड एट द 74th रिपब्लिक डे परेड। तो 74th रिपब्लिक डे परेड पर किस स्टेट के टेबुला ने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन गुजरात। गुजरात स्टेट्स टेबुला बोन द पीपल्स चॉइस अवार्ड एट द 74th रिपब्लिक डे परेड। तो 74th रिपब्लिक डे परेड पर गुजरात स्टेट के टेबुला ने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been rewarded with the Lifetime Achievement Awards by the India-UK Achievers Honor? तो India-UK Achievers Honor के द्वारा Lifetime Achievement Award के साथ किसे सम्मानित किया गया है? ये ऑप्शन निर्मला सीतारमन, बी ऑप्शन मनमोहन सिंह, सी ऑप्शन पीयूष गोयल, डी ऑप्शन रघुराम राजन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन फॉर्मर मनमोहन सिंह। फॉर्मर मनमोहन सिंह हैज़ बीन रिवार्डेड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स बाय द इंडिया जूके अचीवर्स ऑनर। तो फॉर्मर मनमोहन सिंह को इंडिया जूके अचीवर्स ऑनर के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5-डे जीवन विद्या शिविर वाज ऑर्गेनाइज बाय फॉर द टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ विच स्टेट यूटी। तो किस स्टेट या यूटी के द्वारा एक 5-डे जीवन विद्या शिविर स्कूल के गवर्नमेंट टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था? ए ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन पंजाब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन दिल्ली। द 5-डे जीवन विद्या शिविर विल हेल्प टीचर्स इन बिल्डिंग देयर कैपेसिटी टू फाइंड दोज गैप्स प्रेजेंट इन द एजुकेशन सिस्टम एंड फिल देम। तो 5-डे जीवन विद्या शिविर टीचर्स की एजुकेशन सिस्टम में गैप को फाइंड करने, उन्हें फिल करने और अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ए ऑप्शन 1st फरवरी, बी ऑप्शन 2nd फरवरी, सी ऑप्शन 3rd फरवरी, डी ऑप्शन 4th फरवरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 1st फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे को किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ए ऑप्शन 1st फरवरी, बी ऑप्शन 2nd फरवरी, सी ऑप्शन 3rd फरवरी, डी ऑप्शन 4th फरवरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 2nd फरवरी। थीम्स इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन इस ईयर की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीएम ऑफ विच स्टेट अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाडली बहना योजना। तो किस स्टेट के सीएम ने लाडली बहना योजना को इम्प्लीमेंट करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन ओडिशा, डी ऑप्शन राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन मध्य प्रदेश। थ्रू दिस स्कीम रुपीज़ 1000 पर मंथ विल बी गिवन टू द सिस्टर ऑफ
पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज ऑफ मध्य प्रदेश। तो इस स्कीम के थ्रू मध्य प्रदेश की पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज की सिस्टर को पर मंथ 1000 रुपीस दिया जाएगा। अबाउट मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश फाउंडेड हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाई द US प्रेजिडेंट जो बाइडन फॉर द पोस्ट ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल। तो एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट के लिए US के प्रेजिडेंट जो बाइडन के द्वारा किसे नॉमिनेट किया गया है? ए ऑप्शन जैस्मिन, बी ऑप्शन राजाचरी, सी ऑप्शन कायला बैरोन, डी ऑप्शन अनिल मैनन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन राजाचरी। राजाचरी हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट जो बाइडन फॉर द पोस्ट ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल। तो एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट के लिए राजाचरी को US प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 15th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन अगस्त 2023। तो अगस्त 2023 में 15th ब्रिक्स समिट किस कंट्री में आयोजित की जाएगी? ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन रशिया, सी ऑप्शन ब्राज़ील, डी ऑप्शन साउथ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन साउथ अफ्रीका। द 15th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन डरबन साउथ अफ्रीका इन अगस्त 2023। तो अगस्त 2023 में 15th ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका की डरबन में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स मीनिंग ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक वाज फाउंडेड इन 2006 एंड लेटर इन 2010 साउथ अफ्रीका वाज इंक्लूडेड एंड इट बिकेम ब्रिक्स। तो ब्रिक्स फाउंडेड हुआ था 2006 को और उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया और उसके बाद ब्रिक्स बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ लॉन्च द निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम। तो निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ए ऑप्शन EPFO, बी ऑप्शन LIC, सी ऑप्शन ESIC, डी ऑप्शन FCI। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन EPFO। अबाउट EPFO, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड हुआ था 1952 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च विच मिशन बाय जून और जुलाई 2023। तो इसरो जून और जुलाई 2023 में किस मिशन को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है? ये ऑप्शन आदित्य L1, बी ऑप्शन शुक्रान 1, सी ऑप्शन मंगलान 2, डी ऑप्शन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन आदित्य L1। आदित्य L1 इज़ द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन फ्रॉम ए हेलो ऑर्बिट अराउंड। तो आदित्य L1 फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है जिसमें हेलो ऑर्बिट के अराउंड सन की स्टडी करना है। अबाउट इसरो, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो फाउंडेड हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर है कर्नाटका के बेंगलुरु में। इसरो के फाउंडर थे और फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई और 10th चेयरमैन है S. सोमनाथ। आर्यभट्टा इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च ऑन 19 अप्रैल 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द G20 इंडियन प्रेसिडेंसी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। तो इंडियन G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के अंडर फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग किस स्टेट में ऑर्गेनाइज की जा रही है? ए ऑप्शन बेंगलुरु, बी ऑप्शन चंडीगढ़, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन ग्रेटर नोएडा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन चंडीगढ़। द मीटिंग वाज इनोग्रेटेड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस। तो इस मीटिंग को इनोग्रेट किया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर
पशुपति कुमार पारस के द्वारा। अबाउट G20, तो G20 की जो जितनी मीटिंग्स हुई है रिसेंट में उनको रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग हैदराबाद, फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ 20 ग्रुप गुवाहाटी, फर्स्ट G20 इन्वायरमेंट मीटिंग बेंगलुरु, बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग गांधीनगर गुजरात, थिंक 20 मीटिंग भोपाल मध्य प्रदेश। तो आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो बस इतने तक ही थी। मिलता है विशाल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।